आपने ये केटीएम कैसे खरीदा? इसका कोई पीछे कहानी है क्या? हाँ बेटा, इसके पीछे तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। चलो मैं तुमको वो कहानी सुनाती हूँ। जब तुम बाजार जा रहे थे तब तुम लिस्ट ले जाना भूल गए थे, तभी तुम्हारे पापा तुम्हारे को लिस्ट देने आए तो देखा तुम किसी बंदे के बाइक के पास फोटो खिंचा रहे, तो उसने तुमको भगा दिया। फिर तुम अपने बाइक के साथ मार्केट चले गए। फिर ये सब तुम्हारे पापा को सहा नहीं, तुम्हारे पापा के इस बिजनेस में मुनाफा हुआ था तो वो सोचा कि बेटे के लिए एटीएम भी दिला देते हैं। तो वो जल्दी जल्दी दौड़ के गए, उन्हें तुम्हारी बात याद थी, उन्होंने तुम्हें लिस्ट नहीं दिया, वो चले गए सीधा केटीएम शोरूम पहुंच के वो जल्दी से केटीएम का प्राइस पूछने गए तो उन्होंने कहा, इसकी प्राइस कितनी है? सर 2 लाख है। अच्छा, अभी मैं अभी बैंक से आता हूँ थोड़ा। ओके ठीक है सर। फिर तुम्हारे पापा बैंक चले जाते हैं जल्दी से, उन्होंने केटीएम भी पसंद कर ली थी तुम्हारे लिए। फिर वो जल्दी से, वो पास ही में बैंक था तो वो पास ही के बैंक में जाने लगे जल्दी जल्दी से। उनका सारा पैसा बैंक में ट्रांसफर था तो वो गए बैंक में पैसा निकालने के लिए और वो बैंक से पैसा लेकर आ गए जल्दी जल्दी वो, क्योंकि उनको खुशी हो रही थी कि मेरे बेटे के पास भी अब केटीएम होगा और वो किसी के दूसरे के बंदे के केटीएम पे फोटो नहीं खिंचवाएगा। वो जल्दी जल्दी भाग कर जाते हैं केटीएम शोरूम। उन्होंने कहा, हेलो मैनेजर, मुझे ये बाइक पसंद है, आप मुझे ये बाइक दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, ये लीजिए पैसे आप। थैंक यू सर, आप बाइक ले जा सकते हैं। चलो बाइक तो मिल गई, अब मैं जल्दी से इस पे बैठ के और चलता हूँ। बाइक को पहले घुमाना है फिर सीधा चलना है। और ये शॉपकीपर क्यों आ रहा है, छोड़ो। तो हम सीधे सीधे चलते हैं दोस्तों, आपको पता है मेरे बेटे का सपना था केटीएम, बेचारा कब से कह रहा था, लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हम क्या बताएं। लेकिन मेरे पास अब उतने पैसे हैं कि मैं एक केटीएम तो खरीद ही सकता हूँ बेटे के लिए, और ख़रीद भी लिया हूँ। तो फटाफट से तो हम पहले गैराज में अपने मोटर बाइक को मतलब वो कहते हैं ना पार्क करते हैं, और सॉरी भूलने की आदत हो गई है, और बुढ़ा गए भाई क्या बताएं। बेटा तो निकम्मा निकला, कोई काम कर धाम करता नहीं है, फरमाइश से बहुत करता है, चलिए कैसा भी अपना बेटा है। चलो अब बाहर चलते हैं फटाक से, बेटा का सरप्राइज भी तो है, निकम्मा बेटा, चलो अब फटाक से चलते हैं। तो इस तरह से बेटे तुम्हारे पापा ने तुम्हें केटीएम बाइक दिलाई। थैंक यू मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझे इतनी महंगी बाइक दिलाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इस बाइक का गलत उपयोग मत करना और छपरी तो बिल्कुल मत बनाना प्लीज। नहीं करूंगा, यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है।